वी आर गोइंग टू लर्न न्यू स्टोरी। आवर स्टोरी नेम इज थ्री लिटिल पिग्स। आज हम बच्चों बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्री लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स मतलब बहुत तीन छोटे छोटे पिग्स। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। बच्चों इस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और मजे करना है। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक बार की बात है, एक दफा की बात है, जहाँ पे तीन छोटे छोटे पिग रहा करते थे। एक का नाम क्या था? सोनू। और दूसरे का नाम क्या था? मोनू। और तीसरे का नाम गोनू। मतलब एक जगह पे तीन छोटे छोटे पिग रहा करते थे। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, सोनू, मोनू, गोनू, ये तीन छोटे छोटे पिग रहा करते थे। पहले वाले पिग का नाम क्या था? सोनू। दूसरे वाले पिग का नाम क्या था बच्चों? मोनू। और तीसरे वाले पिग का नाम क्या था? गोनू। तीनों एक जगह अपने घरों एक जगह पे एक अपने घरों घरों में रहते थे, अलग अलग घरों में रहते थे। सोनू लिव्स लाइफ इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो। अभी जो बच्चों सोनू है, जो पहला वाला पिग है, जो पहला वाला पिग है वो स्ट्रॉ वाले हाउस में रहता था, स्ट्रॉ वाले घर में रहता था। मोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। अभी जो मोनू है बच्चों, मोनू मोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। जो सेकंड नंबर वाला है, जिसका वाला पिग है, उसका नाम बच्चों मोनू है। वो कौन से घर में रहता था? स्टिक वाले घर में रहता था, जहाँ पे बहुत सारी स्टिक से बनी हुए घर हैं, लकड़ी के, हाँ स्टिक जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी के बने हुए घर में रहता था। गोनू लिव इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। अभी जो तीसरा वाला पिग है, तीसरे वाले पिग का नाम क्या है बच्चों? गोनू। गोनू कौन से घर में रहता था? ब्रिक वाले घर में रहा करता था। गोनू लिव इन अ हाउस ऑफ ब्रिक, ब्रिक वाले घर में रहा करता था। वो ब्रिक हम किसको बोलते हैं? ईंट को बोलते हैं। दीवार वाले घर में गोनू रहा करता था। वन डे अ बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक बार क्या होता है, अचानक से एक बड़ा वॉल्फ आता है। वॉल्फ हम किसको बोलते हैं? भेड़िए को बोलते हैं, जो लोमड़ी, हाँ लोमड़ी के जैसा दिखता है वो। एक बार क्या होता है, एक बड़ा सा वॉल्फ सोनू के घर में आता है। एक बड़ा सा जो बहुत बुरा बैड वॉल्फ होता है, वो सोनू के घर में आता है। वो क्या बोलता है? ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अभी जो बैड वॉल्फ है, बिग बैड वॉल्फ है, वो सोनू के घर में आता है। उसे क्या बोलता है? मैं जोर जोर से हफ एंड पफ करूँगा। हफ एंड पफ का मतलब होता है बच्चों, जोर जोर से फूके मारना। मैं जोर जोर से फूके मारूंगा जिससे तुम्हारा जो घर है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब जाएगा। सो ही हफ एंड पफ एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। वो क्या करता है? जोर जोर से फूके मारता है। क्या करता है? जो बिग बैड वॉल्फ रहता है ना, लोमड़ी रहती है ना, वो क्या कर, बिग बैड रहता है ना भेड़ी, जो लोमड़ी होती है वो क्या करती है? वो क्या करता है? जोर जोर से क्या करता है? जोर जोर से फूके मारता है जिससे उसका घर टूट जाता है। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। अभी क्या होता है, जो पहले वाला पिक का घर जो स्ट्रॉ से बना होता है वो टूट जाता है। वो जोर जोर से फूके मारता है जिससे सोनू का घर खराब जाता है, गिर जाता है। तो फिर सोनू क्या करता है? मोनू के घर में आ जाता है। द वोल्फ केम टू मोनू हाउस। अभी जो भेड़िया है वो क्या करता है? वो मोनू के घर में भी आता है। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. ये जो वॉल्फ रहता है, जो भेड़िया रहता है, वो क्या बोलता है? मैं जोर जोर से फूके मारूंगा, आज जो मोनू का घर है उसका घर भी मैं तोड़ दूंगा, खराब कर दूंगा। हफ एंड पफ का मतलब होता है जोर जोर से फूके मारना। So he huff and puff and he blew Monu's house down. फिर क्या बोलता है बिग बैड वॉल्फ? में जोर जोर से फूके मारूंगा, अमोनू का घर भी गिरा दूंगा।
बच्चों अभी यहाँ पे हियर यू कैन सी कैसा वो जो बिग बैड वॉल पे जोर जोर से फूके मार रहा है और मोनू के घर को तोड़ रहा है और गिरा रहा है। सोनू एंड मोनू रेंट टू गोनूज हाउस। जो सोनू और मोनू दोनों भाई है, वो लोग किसके घर में जाते हैं? गोनू के घर में जाते हैं। द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। फिर क्या होते, दोनों दोनों गोनू के घर में जाते हैं, तीसरे वाले भाई के घर में जाते हैं। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर जो बिग बैड वॉल्फ रहता है, वो बोलता है मैं जोर जोर से फूके मारूंगा जिससे इसका घर है, जो गोनू का घर है, वो टूट जाएगा। सो ही हफ एंड पफ बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। फिर क्या होता है, ये जो बिग बैड वॉल्फ रहता है ना, वो गोनू के घर में भी आता है, जिसका तीसरा वाला पिग होता है ना, वो बोलता है मैं भी जोर जोर से फूंकू मारूंगा और मैं गोनू के घर को गिरा दूंगा। सो ही पफ एंड पफ बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी जो गोनू का घर रहता है वो ब्रिक से बना होता है, मीन्स वो पत्थर का दीवार, मतलब उसकी दीवार किससे बनी रहती है, वॉल, वो ईंट से बनी होती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए उसका हाउस नहीं, उसका जो घर रहता है वो टूटता नहीं है। द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव हैप्पी टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। फिर क्या होता है, जो बिग बैड वॉल्फ होता है वो क्या करता है, जोर जोर से फूके मारता है गोनू के घर में, लेकिन वो इतनी जोर जोर से फूके मारता है कि उसका घर टूटता ही नहीं, क्योंकि उसका हाउस स्ट्रांग होता है, वो ब्रिक से बना होता है, ईंट से बना होता है, उसकी जो वॉल दीवार रहती है बहुत स्ट्रांग होती है। फिर क्या होता है, बिग बैड वॉल्फ रहता है, जो भेड़िया रहता है, वो वहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जब वो चले जाता है तो उसके जो तीनों भाई रहते हैं, सोनू मोनू गोनू, तीनों खुशी 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 हैप्पली का मतलब होता है खुशी खुशी साथ में दीवार वाले घर में अच्छे से रहते हैं और बहुत मज़े करते हैं। बच्चों न्यू वर्ड्स हमने क्या क्या सीखा है, एंड का मतलब होता है और बैड का मतलब होता है बहुत बुरा, बिग यानी बड़ा, बट का मतलब होता है लेकिन, और नॉट का मतलब नहीं, वन यानी एक, अ पिग, पिग इज अ एनिमल, एक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल है, द एंड वॉज। बच्चों आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस स्टोरी वेरी वेल। चिल्ड्रन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोज। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।